मेरा तबीयत थोड़ा बेटर हुआ है कल से 11th ऑफ मई से. पता नहीं, ये आई थिंक पूरी हिस्ट्री में दो बार ही हुआ कि मैं बर्थडे के पहले बीमार पड़ी थी. तो अपडेट यही है कि अभी मैं ठीक हो गई हूँ, मतलब बेटर फील तो कर रही हूँ बट नॉट कम्प्लीटली रिकवर हुई हूँ. एंड बीच में मैं कुछ अपडेट्स नहीं दे पाई बिकॉज बहुत ही बिजी वीक था, बहुत ज़्यादा बिजी वीक. मेरे को लिटरली कुछ भी करने का टाइम नहीं था. सो जनरली मैं ये रिचुअल परफॉर्म करती हूँ कि बर्थडे के पहले मैं अपना थोड़ा स्किन केयर ये सब करती हूँ, तो मुझे आज वो भी करना था तो वो भी टाइम नहीं मिला मुझे. एंड कल के दिन का भी कुछ प्लान है, सो मैं कुछ ग्लिम्स आपके साथ शेयर कर दूंगी अगर वो सक्सेसफुल होता है तो. मैं ये व्लॉग क्यों शूट कर रही हूँ? सो आज बहुत ही स्पेशल ओकेशन है, आई मीन कल. सो वो बताने से पहले फटाफट प्लीज लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो और कमेंट डाउन बिलो. ओके, सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो. सो बेसिकली आज 13th ऑफ मई है एंड कल 14th मई है. सो एज यू ऑल नो, कल दीदी का बर्थडे है एंड आई एंड गनू वी वर प्लानिंग फ्रॉम सिंस यू नो लाइक 3 days की डे तो दे क्या, बिकॉज उनके पास सब कुछ है, लिटरली सब कुछ है. तो वी वर सो कन्फ्यूज कि गिफ्ट में दे तो दे क्या दे. तो आज मैं और मेरा भाई इन द आफ्टरनून हम लोग गए बाहर, हमने उनके लिए गिफ्ट्स लिए, डेकोरेशन मटेरियल लिया, सब कुछ ले लिया एंड वी आर सो टायर्ड राइट नाउ एंड आई एम प्लानिंग मेनी मोर थिंग्स. सो प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल एंड टू नो वट आर द सरप्राइजेस एंड प्लीज प्लीज लाइक दिस वीडियो. एंड इफ आपको अच्छा लगे मैं ब्लॉग करूँ तो प्लीज कमेंट कर रहा, मैं नेक्स्ट ब्लॉग भी मैं ही शूट करूंगी अगर आपके रिस्पॉन्स अच्छे आए तो.
सो बेसिकली मुझे ये दिन मेरे दीदी के लिए बहुत स्पेशल बनाना है एंड फॉर दैट आई डू एनीथिंग मीन्स एनीथिंग बिकॉज शी मीन्स अ वर्ल्ड टू मी बिकॉज शी हैज़ ऑलवेज बीन अ सपोर्टर टू मी शी हैज़ ऑलवेज सपोर्टेड मी इन माई वर्स्ट टाइम्स इन माई गुड टाइम्स आई जस्ट लव हर एंड इट्स हर 24th बर्थडे सो आई वॉन्ट टू मेक इट स्पेशल सो फॉर दैट वी आर डूइंग सो मेनी थिंग्स सो इफ यू वॉन्ट टू बी अ पार्ट ऑफ इट एज आई सेड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल सो हाई गाइज फाइनली आई एम डन विद द डेकोरेशन एंड एवरी थिंग सो आई एम गोइंग टू शो यू ऑल हाउ इट लुक्स एक्चुअली मेरा प्लान ये है अभी लाइक 12 o'clock को मैं छोटा सा डेकोरेशन करूंगी एंड विल कट अ पेस्ट्री एंड नेक्स्ट डे हम बड़ा डेकोरेशन करेंगे बड़ा सेलिब्रेशन करेंगे तो मैं आपको डेकोरेशन दिखा देती हूँ योर हाउ इट लुक्स आप देख सकते हैं आई बॉट समथिंग लाइक दिस अ टैग एंड आई हैव डन विथ एवरी थिंग सो हम 12 बजने का वेट कर रहे हैं एंड देन शी विल एंटर द रूम एंड विल सरप्राइज सो दैट्स द रिएक्शन एंड आई मीट यू देयर बाय Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday होते वैसे. Happy birthday. Nice. ये small decoration है और कल बड़ा. तो यार गाइस यार इसमें दीदी और मैंने मिलके दीदी को अच्छा गिफ्ट दिया. आप देख सकते हैं. अच्छा लग रहा है. कुछ चेंज हुआ है. सिद्धि शर्मा ने किया सोफा यहाँ किया और एक मिट्टी रख दो और ये तो ओह माय गॉड लुक समवन हैज गॉट समथिंग क्या वाह यार सिद्धि मुझे अच्छा कपड़ा बोल देते यार पहनने को जरा एक मिनट उल्टा पहना दिया ये मैं अपनी तो गाइस ये दीदी और मैंने मिलके अपने पॉकेट मनी से सब लाया स्मॉल डेकोरेशन सिर्फ आज की ना कल तो बहुत बड़ा डेकोरेशन होगा और कल बड़ी पार्टी भी होगी तो कैसा लगा ईट मेरे को एक्सपेक्टेड नहीं था ये तो मुझे जरा भी एक्सपेक्टेड नहीं था यार मेरे को बता दे जब मैं सच्ची पैंट बदल ली होती बट एनीवेज कैसा लगा ये प्रिंसेस का काफी अच्छा मुझे काफी अच्छा लगता था यार वैसे ये पहनने का इट्स लुकिंग वेरी गुड तो ये आपको कैसा लगा बहुत अच्छा एंड आई थिंक ये अच्छा अच्छा लगा घर अच्छा लग रहा है यार कैसे लगा मैंने सोफा हटा दिया ताकि मुझे ये पूरा दीवार मिल जाए डेकोरेशन के लिए नहीं काफी गुड 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 प्लानिंग बलून भी सब अच्छे से लगा डेकोरेशन अच्छे से किया है मानना पड़ेगा तुमको और बलून तो भाई इतना वक्त लगा फुलाने थैंक यू सो मच ये दोनों ने इतना एटलीस्ट मेरे लिए इतना एफर्ट लिया वही मेरे लिए बहुत है बहुत अभी कल भी देखना है कल भी और सरप्राइजेस आने वाले हैं हमने इस व्लॉग को बताया है गाइस तो आप जरा सही है प्रिंसेस पेस्ट्री एक बार मैं बहुत गंदी दिख रही हूँ अगर आप अपना पेस्ट्री जरा हाँ ठीक है सर या जस्ट फर्स्ट क्यों लिया अभी के लिए छोटा केक गाइस कल बड़ा केक काटेंगे इसलिए दो केक लाए मैं थैंक यू सो मच प्रिंसेस का बर्थडे आग बंद करो दीदी ठीक है आई एम लाइकिंग दिस आई एम लाइकिंग ऑल माय अटेंशन तो बेसिकली कल दीदी जैसे बाहर रहेगी तो ये गिफ्ट मैं शायद कल ना दे पाऊँ और उनको तैयार भी होना रहा है हमें खाना पीना भी है टाइम नहीं मिलेगा तो ये गिफ्ट मैं अभी दे रही हूँ सो दीदी ओपन योर आईज ओके ये चॉकलेट है क्या नो पापा समझाए क्या पापा को बस मेहनत की है यार बंदी ने भाई इतना अच्छा रहा वाओ ये मैं लिख दूँ उसमें भूल गई थी ये किसका गिफ्ट है ये मेरा है भाई ये रैपिंग काफी अच्छा है ऑनेस्टली सच्ची एंड दिस गिफ्ट यार बस पसंद आ जाए यार मैं बहुत कंफ्यूज थी कि उनके पास मोस्टली सब कुछ है क्या देने का लिए इतना ढूंढा तो जाके ये मुझे लोगों ने मेरे लिए किया ये लोगों ने मेरे लिए सोचा वही मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है अभी कल गाइस आप कल देखते रहे आगे आगे होता है क्या इतना बड़ा डेकोरेशन प्लान किया देखते रहे अमेज्ड हो जाएंगे दीदी ये प्रिंसेस गिर क्यों रही है अच्छा मैं अच्छे से खोल दी एक्चुअली मैं ये हैप्पी बर्थडे का लाने वाली थी जो भी इसे कहते हैं बट प्रिंसेस इज बट ये प्रिंसेस पैदा हुई थी ना तो उनके लिए प्रिंसेस लाना पड़ा या व्हाट आवर प्रिंसेस भाई रैपिंग बहुत अच्छी मैं लाइट नाउ ओपन दीदी नाइस इट्स अ वेरी नाइस थिंग जो बजट में बैठा टू बी वेरी ऑनेस्ट एक बार खोलो तो उसको उसमें आपके फेवरेट कलर्स हैं मिस क्लारिका नाइस वन खोलो तो उसको एक बार खोलो तो कितने का भाई ये हटा दिया है हेलो दिख गया बन मुझे यार काफी अच्छा थैंक यू एंड हियर स्लीक पैकेजिंग है ओके खुलता कैसे यार
पहले एक ब्यूटी ब्यूटिशियन को एक पैकेट पहले कलर्स कितने सही है यार, अच्छा है ना, अच्छा है ना? सच बताओ कैसा लगा कलर? भाई कलर बहुत सही है, थैंक यू, इट हैज गॉट सच अ ब्यूटीफुल कलर्स, इट्स अ वेरी मेरे को शिमर, थैंक यू सिद्धि, आई वाज लुकिंग फॉर समथिंग शिमर, थैंक गॉड इनको पसंद आ गया, मेरा जान निकल आता है पैलेट ले लेके, बोला वो पसंद आएगा कि नहीं आएगा, बट टफ कॉल, व्हाट टफ कॉल ये मुझे देना, इट वाज लिटरली अ वेरी टफ कॉल, थैंक यू, थैंक यू। सो हाँ, अभी 13 तारीख का रात है, सो डेफिनेटली मेरा बर्थडे है, और आयरनी देखो मैं आज वापस से रेड जर्सी पहनी हूँ, जो काफी कॉन्ट्रोवर्शियल, बहुत फेमस हो गया, मेरा रेड जर्सी बहुत काफी कॉन्ट्रोवर्शियल हो गया है, इन्होंने मेरा बर्थडे अभी तो काफी अच्छा किया है, मुझे इतना एक्सपेक्ट नहीं था कि ये लोग करेंगे, क्योंकि बहुत सारे नाम ले लो ये लोग का, हाँ ये लोग मतलब गन्नू और सिद्धि, अभी तो शुरुआत है, आगे देखो होता है। ओके एक्साइटेड, सो हाय गाइस, इट्स अ मॉर्निंग फ्रॉम बर्थडे गर्ल, एंड मैं पूरा दिन इन बलून्स के साथ सोई थी, और मुझे नींद ही नहीं आ रही है, बट मेरे लॉगिंग से मेरी मम्मी जाग रही है, बट मैं वापस सोने का ट्राई करूँगी, क्योंकि मेरे आंखें से डार्क सर्कल्स काफ़ी आ रहा है, सो डे बिगिंस। ए हर्जा निकिनी को कवर मत करो, गाइज बेसिकली मैंने डेकोरेशन कर लिए हैं, एज यू गाइज कैन सी हम दीदी को बुला रहे हैं, दीदी 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 आ जाओ, आ जाओ दीदी, क्या हुआ ये हम लोग ने किया, कैसा लगा मेरे बचपन जैसे, तुमने वो डाला है रिबन्स, मेरे बचपन में ऐसे ही रिबन्स लगाते थे, तो कैसा लगा आपको? काफी अच्छा है यार, एंड गाइस बहुत मेहनत लग गई दीदी और मुझे करने में, बहुत सो प्रिटी, ये हम लोग का ऊपर का घर, ये कहाँ से मिला, ये कहाँ से मिला रे, क्या खरीद कर रहा है, हाँ मस्त लग रहा है, नाइस, फाइनली आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आई कैन सी अ गुड डेकोरेशन, ओ ये मैं भाभी डाली हम लोग के गांव का है, थैंक यू, किसने किया वैसे डेकोरेशन? मैंने, सब मैंने किया, गन्नू ने थोड़ी हेल्प की, होप आपको डेकोरेशन बहुत पसंद आया होगा, एंड इसी के साथ हम अपना व्लॉग एंड करते हैं, एंड मैं बता दूं बहुत आज का दीदी का डे बहुत ज्यादा अच्छा गया है, होप काफी अच्छा गया, बहुत एंजॉय किया इन्होंने, अच्छा गया, ड्रामेटिक भी था, और मैंने और गन्नू ने बहुत एफर्ट्स डाले दीदी का ये डे स्पेशल बनाने Actually, को, गन्नू और सिद्धि ने बहुत ज्यादा एफर्ट्स डाले मेरा बर्थडे स्पेशल बनाने को, आज का दिन काफी ज्यादा ड्रामेटिक भी था, एंड एनी वेज इट्स बीन जैसे कहते हैं ना ऑल वेल एंड वेल जैसे कुछ कहते हैं, तो काफी अच्छा गया बर्थडे मेरा, एंड थैंक यू सो मच, बहुत सारे लोगों ने मिलके मेरा बर्थडे काफी स्पेशल बनाया, उनके लिए भी थैंक यू, एंड ऑल्सो आई वुड लाइक टू थैंक माई सिस्टर और मेरे भाई को जिन्होंने घर पे पूरा संभाला, व्हेन आई से दिस पूरा संभाला वी कैन फील दिस व्हाट वी आर फीलिंग राइट नाउ, घर पे पूरा संभाला और पूरा मेरे लिए यू नो इतना सब डेकोरेट करके अरेंज किया, सो बहुत अच्छा किया, थैंक यू सो मच, आई बीन वेरी ग्रेटफुल, हैप्पी बर्थडे, थैंक यू, और हम लोग मतलब होटल जाके आ चुके, हमने केक भी काट लिया है, एंड या तो इसी के साथ हम अपना व्लॉग एंड करते हैं, तो दीदी व्लॉग तो अब अपने शेल में एंड करोगी, सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल, एंड फॉर मोर सच लुक्स फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, दैट्स इट गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, स्टे सेफ।